आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट नंबर 71 में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो अन्य वाद है, जिसमें कि औरंगजेब के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ करके 1670 में भगवान केशव देव के विग्रह को आगरा ले गया था और आगरा की बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों से लगा दिया था, आज उसी को लेकर के उसी केस में सुनवाई हो रही थी और इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा आज हमने सभी पक्षों को रखा, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जो हमारी आपत्ति थी कि शाही ईदगाह को इसमें पार्टी न बनाया जाए, शाही ईदगाह के लोग पार्टी बनने चाहते हैं लेकिन उनका इस केस से कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं, हमने एप्लीकेशन मूव की थी, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा इसमें एफिडेविट दाखिल करने को भी कहा गया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपना भी जवाब दाखिल नहीं किया है। तो इन सभी तथ्यों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 12 अगस्त निर्धारित कर दी गई है, 12 अगस्त को इस केस में सुनवाई होगी और 12 अगस्त को हम अपना पक्ष रखेंगे और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि जामा मस्जिद जो आगरा की है, जहां विग्रह दबे हैं सीढ़ियों में, वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे कराया जाए, ये हमारी प्रार्थना है। और शाही ईदगाह पक्ष के लोग जबरदस्ती इसमें पार्टी बनना चाहते हैं और पार्टी बन करके इस केस को भी लिंगरोन करना चाहते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के दूसरे केस को कर रहे हैं, ये उनकी एक रणनीति रही है। तो हमने विशेष रूप से न्यायालय से अनुरोध किया है कि हम इसमें उनके ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे कि उन्हें पार्टी न बनाया जाए शाही ईदगाह पक्ष को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो हमारी अब हम 12 तारीख को एप्लीकेशन विद शपथ पत्र दाखिल करेंगे और अग्रिम तारीख माननीय न्यायालय के द्वारा 12 अगस्त इसमें निर्धारित कर दी गई है। 12 अगस्त को माननीय जस्टिस मयंक जैन साहब की कोर्ट में 12 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी।